कुछ के फ्रेश टेक के बाद मालूम बात करते हैं, पहले आपकी पसंद नापसंद जानना चाहिए, कैसे तैयार करते हैं? मुझे शौक़ है इन कपड़े पहनने का, यू नो लाइक अलग अलग आउटफिट्स पहनने के लिए, एंड जस्ट बेसिकली आई लाइक ड्रेसिंग अप. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई बिकेम एन एक्ट्रेस, क्योंकि मुझे ड्रेसअप करने के लिए बहुत अच्छा लगता है. जब भी मैं छोटी थी तभी मैं मम्मी को देखती थी, मिरर के सामने बैठ के मेकअप करती थी, हेयर करती थी, तो यू नो एक ख्वाहिश थी दिल में कि मैं बड़ी होकर मेरी मम्मी की तरह करूँगी. तो आई थिंक दैट्स जस्ट कैरीड ऑन, और अभी मुझे बहुत शौक़ है अलग अलग आउटफिट्स एंड अलग अलग डिज़ाइंस एंड ट्रेंड्स एंड यू नो ट्राई करने के लिए. एंड आई एम लकी के आई हैव द kind of face or the body or whatever, ke most of the things that I try on they kind of manage to look good on me. Would you prefer an online or outdoor shopping? Actually ab tak main zyada online shopping nahi karti aayi hu, magar meri niece hai na Nisa, वो बहुत ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा जाती है, तो अभी वो मुझे सिखाने वाली है कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं. मैं ज़्यादातर तो बुक्स ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, मैं किताबें पढ़ती हूँ ऑनलाइन अपने किंडल पे, लेकिन हाँ अभी निशा मुझे सिखाने वाली है कि अब तक उसने कुछ किया नहीं है मेरे लिए, मासी हूँ मैं, तो आई थिंक आई एम द वन हु इज सपोज टू शॉप फॉर हर, बट आई थिंक आई विल गेट बेटर एट इट. एंड फैश टैग्स इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि वो आपको स्टोर्स दिखाते हैं कि कहाँ क्या चीज़ मिलने वाली है. अगर आपको कुछ अर्जेंट चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है, आप और अभी ट्रैफिक का मामला ऐसे ख़राब हो गया है हर सिटी में कि यू डोंट नो वेयर टू गो. सो इन अ वे दिस फैश टैग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप इमीडिएटली ऑनलाइन जा सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी दुकान में कहाँ मिलेगा आपको, और वहाँ जाके आप जल्दी से ख़रीद ले सकते हो, आप इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इट्स लाइक अ फेसबुक फॉर फैशन, यू नो फॉर सोशल इंटरेक्शन हो सकती है. और आजकल सोशल मीडिया, विच आई लव सोशल मीडिया, इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है कि आप इमीडिएटली इंटरेक्ट कर सकते हो, आपके फ़ोन से आप कनेक्ट रहते हो अपने दोस्तों के साथ. तो अभी शॉपिंग भी एक काइंड ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंस हो जाएगी, जहाँ आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ और आप शॉप भी कर सकते हो. सो इट्स वेरी नाइस. आप पर्सनली कैसे पसंद करते हैं कोई भी चीज़? या कुछ लोग होते हैं वो बहुत टाइम लगा देते हैं अपने ड्रेस को, अपने आउटफिट्स को चूज़ करने के लिए, आप फटाफट कोई चीज़ उठा लेती हैं या फिर आप भी टाइम लेती हैं? एक्चुअली मैं काफ़ी फटाफट चूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग में अपना वार्डरोब ऑलरेडी प्लान आउट करती हूँ, एंड प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है जस्ट डिसाइड करने के लिए कि यू नो व्हाट एम आई गोना टेक आउट, सो यू काइंड ऑफ सेट इट इन योर हेड. काजल से, एक्चुअली काजल का बॉडी टाइप और उसका स्टाइल कोशेंट इतना डिफरेंट है मुझसे, लाइक माई स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम काजल्स, बट क्योंकि हम बहने हैं वी लैंड अप इवेंचुअली, एक दो चीज़ें होंगी हमारे वार्डरोब में जो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, लेकिन वो कभी मेरे तरह नहीं पहनेगी और मैं कभी उसकी तरह नहीं पहनूंगी, क्योंकि वे जस्ट सच डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. फैशन फॉर मी इज़ हैविंग फन. अगर लड़कियों के लिए फैशन होना चाहिए कि आप अपने आप के लिए करो, आप मज़े लो, आप यू नो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, एज लॉन्ग एज यू लाइक वॉट यूर लुकिंग एट, दैट्स फैशन फॉर मी. यू डोंट हैव टू कन्फॉर्म, यू हैव टू बी इंडिविजुअल. फाइंड आपका जो पर्सनैलिटी है उसको सूट करना चाहिए. To be fashionable in today's world, I think whatever you do that is true to you is fashionable. Oh my god, आप बहुत स्मार्ट हो ये क्वेश्चंस पूछ के, क्योंकि एक है ड्रेस जो मुझे याद है, बहुत डेफिनेटली याद है, मेरे ग्रैंड फादर शशधर मुखर्जी ने मुझे मेरे बर्थडे पे प्रेजेंट किया था. इट वॉज़ अ फ्रिली प्रिंक ड्रेस और वन शोल्डर ऐसे था और इधर एक टाइनी स्ट्रैप था, और वो ड्रेस इतना प्रिटी था कि मैं वो पहनती गई, जब तक वो मुझे फिट भी नहीं होता था मैं पहनती गई वो ड्रेस, एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट. अभी भी है? नहीं अभी नहीं है, वो बहुत छोटी थी मैं 4 साल की या 5 साल. आपने सोचा नहीं कि वो ड्रेस आप निशा फ्रिली पिंक ड्रेस अगर मैं निशा को गिफ्ट करूँगी वो मुझे मार डालेगी, एब्सोल्यूटली मार डालेगी. शी विल बी लाइक चिची मासी, मैं पिंक ड्रेसेस और फ्रिल्स नहीं पहनती. सो नो, शी इज ग्रोन आउट ऑफ दैट. वैलेंटाइन, आप अभी फैशन के बारे में पूछिए, फैशन के बारे में पूछिए. वैलेंटाइंस डे होने वाला है, देखेंगे. बिल्कुल.
एक्चुअली अभी मेरी जो पिक्चर आने वाली है वो अन्ना हजारे की बायोपिक है जो मैं कर रही हूँ. शूटिंग ऑलरेडी लास्ट ईयर शुरू हो गई है, इस साल कंप्लीट हो जाएगी और होपफुली अप्रैल मई जून में वो रिलीज कर लेंगे. थैंक यू. थैंक यू.